হ্যালো এভরিবডি, আমি নীতা শর্মা ফ্রম মাইক্রো কম্পিউটার্স। আজ কি ভিডিও মে হাম জানেঙ্গে এক ইম্পর্টেন্ট বিষয় জো হ্যায় আর্নিং সে রিলেটেড। ইন্টারনেট পর আর্নিং কিস প্রকার সে কি যা সকতি হ্যায়, সবসে জাদা জো হ্যায় সার্চিং নেট পর ইসি চিজ কো লেকার কি জাতি হ্যায় কি হাম ইন্টারনেট সে আর্ন কিস প্রকার সে কর সকতে হ্যায়। তো ইন্টারনেট সে আর্নিং কে লিয়ে মে আপকো ইস ভিডিও মে বহুত কিছু বাতানে যা রহি হু, অর ইয়ে এক ভিডিও মে পুরা নাহি হোগা, ইসিলিয়ে ইসকে ভি এক মতলব পুরি আপ প্লে লিস্ট মে আপ ইসকো দেখ সকতে হ্যায় ধীরে ধীরে করকে। ইন্টারনেট সে হাম বহুত আচ্ছি আর্নিং কর সকতে হ্যায়, ইসকো আজকাল ইসিলিয়ে লোক সার্চ কর রহে হ্যায় ক্যোঁকি বাকি লোক এসা দেখ রহে হ্যায় সমঝ রহে হ্যায় কি ইন্টারনেট সে বহুত সারে লোক বহুত সারি আর্নিং কর রহে হ্যায়। লেকিন আপ লোক ধ্যান রাখেন কি ইন্টারনেট সে হাম উতনি আর্নিং ইতনি আসানি সে নাহি কর সকতে হ্যায় জিতনা কি লোক বাতাতে হ্যায়। লেকিন ফির ভি যদি হাম ইসকো ভি সিরিয়াসলি লে অর জিস তরিকে সে এক বিজনেস মে হাম মেহনত করতে হ্যায় উসি তরিকে সে ইসমে মেহনত করে তো বাকি হাম ইসসে ভি বহুত আচ্ছি আর্নিং কর সকতে হ্যায়। লেকিন মে আপকো বাতাউঙ্গি, কহনা চাহুঙ্গি কি ইসকো আপ সাইড মে লে, সাইড মে লেকে ভি আপ ইসমে উতনি মেহনত করে অর আপ জো ভি জব কর রহে হ্যায় ইয়া আপকা জো ভি বিজনেস হ্যায় আপ উসকো ভি করতে রহে ইয়া আপকে লিয়ে জরুরি হ্যায়। তো আইয়ে হাম দেখতে হ্যায় ইস ভিডিও মে কি ইন্টারনেট সে আর্নিং হাম ক্যাসে ক্যাসে কর সকতে হ্যায়। ধীরে ধীরে মে আপকো উসমে উসকে অন্দর ভি জাকে বহুত সারি চিজে বাতানে ওয়ালি হু। লেকিন मैं आगे बढ़ू इससे पहले प्लीज यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यदि उपयोगी है तो लाइक करें और उपयोगी है तो बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पे अर्निंग के मूल रूप से कंप्लीट इंटरनेट पे अगर हम अर्निंग की बात करें तो मुख्य तरीका एड्स है, एडवर्टाइजमेंट। इंटरनेट पे पूरी जितनी भी अर्निंग हो रही है वो सब एडवर्टाइजमेंट से हो रही है। और बाकी एडवर्टाइजमेंट से किस प्रकार से अर्निंग होती है कि जिन लोगों का भी मैटर जैसे यूट्यूब पे चैनल है या वेबसाइट है उस पे जितना ट्रैफिक होगा उस जगह पे जितने ज्यादा कस्टमर्स या व्यूअर्स आएंगे और देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इन वेबसाइट से जैसे यूट्यूब से, ब्लॉगर्स से, blogger.com जो वेबसाइट है इनसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एड दिखाने के लिए इनसे कॉन्टेक्ट करती हैं और उन एड्स के लिए उन्हें पैसे देती हैं, अमाउंट पे करती हैं और वो पेमेंट ये वेबसाइट्स अपने व्यूअर्स, अपने जो ब्लॉग बनाने वाले जो यूजर्स होते हैं या चैनल बनाने वाले जो यूट्यूबर्स जो हैं इस तरीके के लोग, फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पे जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो लोग, ट्विटर और इंस्टा इन पे जिनके भी मतलब ज्यादा फॉलोअर्स होंगे जिनकी भी पेज पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा उन पर अपने अपने एड दिखाने के लिए कंपनियां कॉन्टेक्ट करती हैं इन वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट्स इन लोगों पे जिनके पास जिनके पेजेस पर जिनके चैनल्स पे ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे उन एड्स को दिखाते हैं और उन एड्स को दिखाकर उन लोगों को भी यानी जैसे हम लोगों को भी उसका कुछ परसेंट जो है पेमेंट करते हैं। इन सबके लिए हमें अपने पेज में जो है सेटिंग हमने अपना सबसे पहले हमारा अकाउंट बनाना होता है सभी पे और अकाउंट में फिर हमें एक पेमेंट के लिए भी एक अकाउंट बनाना होता है जैसे पेपल में भी अकाउंट पेपल अकाउंट होता है या हमारे सादा अकाउंट जो होते हैं उनके थ्रू भी। अभी जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब पे मेरा सिंपल जो मेरा बैंक में जो अकाउंट है उसी से मैंने जो है इसको ऐड किया हुआ है और ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में ही अमाउंट जो है आ जाता है। इसके लिए मुझे सेटिंग करनी होती है तो मैंने वो सेटिंग की और ऑटोमेटिकली निश्चित समय पर या निश्चित प्रक्रिया होने पर मुझे वो अमाउंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से सभी को अपने अकाउंट बनाने होते हैं और गूगल का जो एक एडसेंस डिपार्टमेंट है, एडसेंस का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट को सेंस करने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, वो
पूरा इस चीज की तहकीकात करता रहता है कि किस वीडियो पर या किस वेबसाइट पर किस पेज पर कितने एड्स दिखाए गए हैं और कितनी देर तक उनके व्यूअर्स ने उन्हें देखा है, और यदि इसमें से लिंक पर क्लिक करके उन एड्स पर क्लिक करके अगर कोई व्यक्ति कोई चीज वहां से खरीदता है तो उसका भी कमीशन जो है जिसकी भी वेबसाइट है या जिसका भी पेज है उसको दिया जाता है। इसी प्रकार से पूरे इंटरनेट पर अर्निंग होती है। तो कुल मिला के हम अगर मेन बात करें तो इंटरनेट पर अर्निंग का सबसे बेसिक वे जो है वो होता है ट्रैफिक आपके साइट पर होना चाहिए, ट्रैफिक आपके चैनल पर होना चाहिए, ट्रैफिक आपके पेज पर होना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा तो आपके उस पर एड्स दिखाए जाएंगे और एड्स दिखाए जाएंगे तो आपको अर्निंग होगी। मेन तो आपका अर्निंग का ये होता है। और मैं कुछ खास बातें आपको यहाँ बताऊंगी कि इसके अलावा हम किस तरह से इनके इंटरनेट पर अर्निंग कर सकते हैं। सभी में मूल बात आपको ध्यान वही रखनी है कि ट्रैफिक होना चाहिए, ट्रैफिक होगा तो आप एड ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि हम तरीके क्या क्या है इंटरनेट पर अर्निंग के। तो सबसे पहला एक तरीका होता है आप अपनी स्वयं की वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट बनाकर उस पर भी वही आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स आपकी वेबसाइट पर डालने होंगे जिसमें आप ज्यादा ट्रैफिक जो है अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पर आए। तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो वही गूगल एडसेंस से आपको सेटिंग करनी होगी और आप उस पर गूगल एडसेंस से अपने अकाउंट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद गूगल एडसेंस की तरफ से आपके पास एड्स आएंगे और एड्स से जिस प्रकार से मैंने पिछला प्रोसेस बताया उसी प्रकार से आपको अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा भी आप वेबसाइट्स में अर्निंग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप खुद भी लोकल एरिया में जो आपके परिचित हैं ऐसे लोग हैं तो उनके एड्स ले सकते हैं और उनके एड्स के बदले में आप उनसे भी अमाउंट ले सकते हैं। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के यहाँ पहला तरीका हमारा ये हुआ, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, तरीकों की बात कर रहे हैं, हम डीप में अंदर नहीं जा रहे हैं। तो पहला तरीका हुआ कि हम अपनी वेबसाइट बना के भी जो है अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है इंटरनेट पर अर्निंग का वो होता है यूट्यूब वेबसाइट, जो विजुअल वेबसाइट है, सबसे ज्यादा विजुअल प्रदर्शन जिस वेबसाइट पे किया जाता है वो वेबसाइट है और उस पर भी आप अपना चैनल बनाकर भी इसी प्रकार से जो मैंने एड की टेक्निक आपको बताई है उसी तरीके से गूगल एडसेंस से कनेक्ट करके और मोनेटाइजेशन आपको करना होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। और इसके द्वारा भी आप यूट्यूब पर चैनल बनाकर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। डिटेल में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक एक चीज को लेकर, जैसे वेबसाइट में हम कैसे कमा सकते हैं सारी बातें हम अगली उसमें लेंगे, यूट्यूब पे हम कैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या खास बातें होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। फिर हम देखते हैं तीसरा एक और तरीका होता है ब्लॉग्स लिखकर। ब्लॉग्स देखिए आइडिया के 100 नंबर, आइडिया के 250 नंबर, आइडिया के 100 नंबर। आइडिया अगर आपके पास है तो आप बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए यूट्यूब जब बनी तो यूट्यूब भी एक आइडिया ही था कि मैं इस पे दुनिया भर के लोगों की वीडियोस जो है मतलब लोग खुद अपलोड करें और नॉलेज मिले लोगों को। और जब एक इतना बड़ा ट्रैफिक तैयार हो गया तो उसके पास यूट्यूब के पास ऐड आने लगे, यानी youtube.com भी एक वेबसाइट है, यानी वेबसाइट बनाई गई और उस पे ट्रैफिक लाने के लिए इतना बड़ा आइडिया जो है दिमाग में आया और youtube.com बन गई। तो इसी प्रकार से YouTube पे जो भी अपनी वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं वो सभी लोग यूट्यूबर्स कहलाते हैं। तो यूट्यूबर्स जो है अपनी अच्छी यानी प्रभावी कंटेंट वाली वेबसाइट्स डालकर सॉरी वीडियोस डालकर या कुछ अन्य भी तरीके हैं जिसमें अगर आप वीडियोस नहीं बनाते हैं तब भी बिना बनाए भी आप कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा यूट्यूब से भी चैनल बना के अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमने बात की। इसी प्रकार से यूट्यूबर्स ने youtube.com भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट बनाकर ही इससे इतनी ज्यादा अर्निंग की गई कि लोगों को भी अर्निंग बांटी गई। इसी प्रकार से bloggers.com से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। bloggers.com भी वेबसाइट है
और वो इतनी फेमस हो गई, उसपे लोग ब्लॉग मीन्स होता है चिट्ठा, यानी चिट्ठी का एक चिट्ठा, यानी बड़ा चिट्ठा लिखना, यानी जो हम यूट्यूब पे जानकारियां देते हैं, जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो सब मैं अगर लिख के टेक्सचर प्रदर्शन अगर मैं करूँ तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है bloggers.com और उस पर मैं अपना अकाउंट बना के यानी अपनी आईडी बना के और साइन इन करके उस पर यदि टेक्सचुअल डिटेल ये सब मैं डालूं और मेरे भी ब्लॉग्स पे ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो मुझे भी मेरे ब्लॉग्स पर एड्स दिखाई जाएंगे और उनकी अर्निंग भी मुझे होगी। इसी प्रकार से हम bloggers.com से कमाते हैं। नेक्स्ट जो तरीका होता है वो होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को का जो है एक लिंक हमारी हमारे ब्लॉग्स में या हमारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और आप इसको अगर खरीदना चाहें तो हमारे यहाँ से लिंक पे क्लिक करके भी खरीद सकते हैं। तो उससे भी जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करके यदि कोई खरीदता है किसी प्रोडक्ट को तो फिर जो है उससे भी हमें